महाराष्ट्र में सोयाबीन के भाव में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि इससे पहले सोयाबीन के भाव में इतनी कमी कभी नहीं आई थी। अत्यधिक बारिश के चलते सोयाबीन उत्पादक वैसे ही परेशान है और अब भाव गिर जाने के बाद किसान चिंतित हैं, क्योंकि सोयाबीन की कीमतें केवल 20 दिनों में 11,111 रुपए से गिरकर 4,000 रुपए पर आ गई हैं। गिरते भाव के चलते किसान सभा के नेता अजीत नवले ने कहा है कि 27 सितंबर को महाराष्ट्र में तहसील कार्यालयों के सामने सोयाबीन फेंककर किसान अपना आंदोलन करेंगे। औरंगाबाद के किसानों ने बताया है कि इस समय जिले में 28,422 हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई है। अब सोयाबीन की कीमत 9,500 रुपए से गिरकर 5,500 रुपए हो गई है। भाव गिरने से औरंगाबाद जिले में 20,000 से अधिक किसान संकट में आ गए हैं। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह दामों में गिरावट होती रहेगी तो आगे नए सोयाबीन का उत्पादन कैसे हो पाएगा। कीमतों में 40% की गिरावट से किसान आर्थिक संकट में आ गए हैं। किसान नेता अजीत नवले ने कहा है कि इस समय महाराष्ट्र में सोयाबीन उत्पादक किसान परेशानी में है। सोयाबीन के भाव में गिरावट आई है। केंद्र सरकार ने 12 लाख टन GIM सोयाबीन मील आयात करने के फैसले से सोयाबीन की कीमतों में गिरावट आई है। केंद्र सरकार के इस फैसले का किसान सभा जोरदार विरोध कर रही है। किसान नेता ने कहा है कि 27 सितंबर को प्रदेश भर के तहसील कार्यालयों में मोर्चा निकालकर तहसील कार्यालय के सामने सोयाबीन फेंको आंदोलन करेंगे। सोयामील इंपोर्ट के फैसले के खिलाफ 26 अगस्त को ही महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि इंपोर्ट के फैसले से किसानों में भारी रोष है। इस फैसले के बाद सोयाबीन की कीमतों में 2000 से 2500 प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई है। इससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।